देखिए बेरबो चुनाव के कई रंग अभी बाकी हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेश कच्छप जी हैं, जो लगातार करीबन 10 दिनों से चंद्रपुरा प्रखंड का में कैंप किए हुए हैं। जरा इनसे बात करते हैं। सर, चंद्रपुरा प्रखंड में लगातार कैंप किए हुए हैं, कल CM भी आए थे आपके क्षेत्र में, कितना असर पड़ेगा? देखिए, गांव टोला पूरा मैं घूम रहा हूं, एक एक गांव टोला जाने का प्रयास कर रहा हूं, और एक साइड है सिर्फ गठबंधन और सिर्फ गठबंधन नज़र आ रहा है। विपक्ष जो है, विपक्ष कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। भले ये लोग बाहर से हाय तोबा मचा ले, हल्ला करे, अलग चीज़ है, लेकिन गांव, गली, मोहल्ला, शहरी पार्ट है, ग्रामीण पार्ट है, कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। रही बात कल CM साहब को, CM साहब के कार्यक्रम में जो एक लोगों का जो झुकाव दिखा, लोगों जो सुनने के लिए CM साहब को आए, यहाँ के गठबंधन को, प्रत्याशी को जिस प्रकार से लोग समर्थन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए, लग तो रहा है कि भाई ये मैच जो है, मैच हमको लगता है कि वन साइडेड खेल रहे हैं हम लोग। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने करीबन रात में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जो राज्य के CM हैं वो BIT मिश्रा के भगाए हुए हैं, और जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो भी अपने स्कूल के भगाए हुए हैं। दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में जब पढ़ाई करनी थी उस दौरान उन्होंने जो काम उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किए, तो अब क्षेत्र में क्या कर पाएंगे? देखिए, खिसियाने बिल्ली खम्भा नोचे, ठीक है ना, सबसे पहले अपने गिरेबान में इन लोगों को झांकना चाहिए। यहाँ का 1400 करोड़ रुपया GST का काट लिया गया, 12 सांसद है, 2 मंत्री है केंद्र में, चूँ तक नहीं किया ये लोग। ये लोग किस झारखंड की बात कर रहा है? पार्टी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पे सामूहिकता की बात हो, जहाँ पे प्रदेश की बात हो, वहाँ पे एकजुट रहने की ज़रूरत है। आपदा की स्थिति में ये लोग जिस प्रकार से एक ही राग अलाप रहे हैं, अरे क्या किया आप लोगों ने? केंद्र में आपकी सरकार थी, कोरोना के पीरियड में आप लोगों ने क्या किया? एक बार भी सूद लिया? और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहाँ का जो कैंडिडेट जिनको इन्होंने बनाया है कोरोना का पीरियड में, जीवन सबको प्यारी होती है, लेकिन अगर आप सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक दायित्व बनता है और आपको निकलना पड़ता है। एक बार भी इन लोगों ने सूद लिया, अपने गिरेबान में झांके, तो मैं सलाह दूंगा कि ये जो जमीन खिसकता देख करके ये लोग बौखला गया है, और सिर्फ प्रेस में बयान दे करके लोगों को दिग्भ्रमित करके राज्य नहीं चलाया जा सकता है। और इन लोगों का जो कारतूत है पिछली सरकार की, वो सामने आ रही है, और बौखला गए हैं ये लोग, ठीक है ना। और आने वाले दिनों में इनकी जो कारगुजारियाँ रही हैं, हाथी उड़ाने में पता नहीं कितना जो खजाना खाली किया है, अब तो इंक्वायरी होगी। सारे लोग आज के तारीख में जनता को जिस गर्त में इन लोगों ने ढकेला है, झारखंड को जिस स्थिति में पहुंचाया है, झारखंड की जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। जब प्रदेश अध्यक्ष कल रात में बड़ा कॉन्फिडेंस में दिख रहे थे, वो कह रहे थे कि हेमंत सरकार की अब विदाई तय है, ये दोनों सीट हारते के साथ हम हेमंत सरकार की विदाई कर देंगे, तो क्या लगता है विदाई हो जाएगी आप लोगों की अब? देखिए, लगता है इनका जो है कि बड़े पूंजीपति जो हैं ये लोग, इन लोगों के पास दो ही मुद्दा है, जाति पाति का बात करना और भारत पाकिस्तान की बात करना। अरे जिन लोगों का अपना ईमान नहीं है, इन लोगों ने यहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए अंडानी को बहुत बड़ा पावर प्लांट लगवाया, एक आना भी हमको मिल रहा है उसका लाभ? अरे आप जिस हिंदू और मुसलमान की बात करते, तो फिर क्यों दे रहे हैं यार वहाँ पे बांग्लादेश को, क्यों आप बिजली दे रहे हैं? झारखंड का संपत्ति है, झारखंड का विकास में इसका उपयोग होना चाहिए। यहाँ पे बिजली कितने घंटा रहती है? 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा रहती है, जीरो कट कैसे रहे? अगर इतना बड़ा हम प्लांट लगा रहे हैं तो इस दिशा में हमको कदम उठाना चाहिए ना। क्या सो रहे थे क्या, तेल में, कान में तेल डाल करके? इनकी कथनी और करनी में अंतर है, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बनावटी है। अच्छा सर, एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगा जो मेरे मन को भी झंझोड़ता है। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और तमाम लोग, क्योंकि बेरमो विधानसभा में बहुसंख्यक की आबादी में आदिवासी समाज के लोग हैं, आप मानते होंगे, देखते होंगे भी होंगे, लेकिन जब क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो जो समाज जहाँ पर रहता है वहाँ पर विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो कितना दुख होता है
आपके भी प्रतिनिधि ने यहाँ पर शासन किया है, उनके भी प्रतिनिधि ने शासन किया है, लेकिन जो समाज के लोग हैं जिनके ओर टकटकी निगाह से लोग देख रहे हैं, प्रत्याशी देख रहे हैं और आपको बुलाया जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो उन गाँवों को, उन लोगों को सबसे पीछे रखा जाता है। देखिए, सर्वप्रथम जो आदिवासी समुदाय की बहुलताएँ हैं यहाँ पे, पूरे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा तो यहाँ के जो मूल बासिंदे हैं उनकी संख्या है, आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और आदिवासी जो समुदाय है वो जंगलों से बहुत प्यार करते हैं, जंगल झाड़ी से, अपने खेत खलियान से बहुत प्यार करते हैं। आप उनको अगर बीच आप किसी फ्लैट में अगर उनको रहने के लिए बोलिएगा ना तो घुटन सा महसूस करता है, उनकी अपनी एक जीवन शैली है। इसीलिए एक कहावत भी यहाँ पे आज के लोग इस कोरोना में लोग कह रहा है, आदिवासियों की जो परंपरा है उस परंपरा को पूरा विश्व को अपनाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ का पर्यावरण शुद्ध रहे।